पहले जो मैं कलर करवाने वाला हूँ गाइस वो बन इन हिमाचल होने वाला है। सजन रे पास तो आना ना कभी मुझे छोड़ के जाना। सो हेलो सो गाइस कैसे हो लोग सब बढ़िया ना गाइस। आज को होंगे फिर से मैं निबड़ी के साथ। गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है तो गाइस सीन कुछ ऐसा है जिसके जो स्टिकर थे ना सारे के सारे लगे हुए। अभी मैंने इसके पूरे स्टिकर निकाल दिए। देखो व्हील कवर के ऊपर जो भी लगा था जो हार्डवर्क वाइज लिखा था वो भी निकाल दिया। यहाँ से भी निकाल दिए, यहाँ से पूरा क्लियर कर दिया मैंने। तो गाइस ये ग्रूट लिखा हुआ और एक गाइस यहाँ पे लिखा ये देखो हिंद। गाइस ये छोड़ा बाकी का सारा मैंने निकाल दिया ठीक है। तो लास्ट वीडियो पे मैंने कमेंट के लिए बोला था कि आप 300 कमेंट कर दो। तो गाइस 300 से भी ऊपर कमेंट आ चुके हैं। मैंने देखा नहीं है ऐसे कमेंट करते रहो करो, मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े ठीक है। तो कुछ भी कमेंट कर दिया करो, बस कमेंट कर दिया करो और लाइक भी कर दिया करो साथ में। तो गाइस जैसे कि मैंने वादा किया था इसको मैं मॉडिफाई जरूर करवाऊंगा। गाइस कल से ना मैं इसकी मॉडिफिकेशन स्टार्ट कर रहा हूँ ठीक है। तो पूरी की पूरी ना नई देखने को मिलेगी, पर मैं आपको दिखाऊंगा मैं क्या क्या करवाने वाला हूँ। मैं सीधे इसको मॉडिफाई करके ना फुल रिवील करूंगा एक साइड सब कुछ लगने वाला। सीट का लो एक्स तरीके ये वाला कलर ना देखने को मिल रहा है ना, तो इससे अगली वीडियो हो सकता है कि उसे दूसरे कलर में मिले ठीक है। एक और चीज है गाइस, मैंने ये बाय किए हैं, ये देखो न्यू ग्लव्स लिए हैं मैंने, ये देखो काफी ज्यादा अच्छे हैं और हाफ है, मुझे हाफ बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, आगे से भी बहुत ज्यादा सही है। ये देखो अभी मैंने ये लिए बिकॉज ये मैच करेगा। बाइक से पेट्रोल निकालना है, स्कूटी में डालना है और निकाल के सिरे हैं ये देखो जग भाई, ये गंदा खराब हो जाएगा फिर ये पेट्रोल नहीं है। गाइस पेट्रोल निकालते हैं बाइक से और फिर डालते हैं स्कूटी में बिकॉज स्कूटी में बिल्कुल भी नहीं है। ये देख रही है सामान यहाँ पे रखा हुआ है, इसकी मैंने साउंड भी चेंज की है तो आपको साउंड भी सुना देता हूँ कि कैसी साउंड है इसकी। को ना इसको थोड़ा ऐसे इग्नोर करना बिकॉज सीट पूरी फट चुकी है, नहीं डलवानी है यार। तो एक बार सुनो साउंड कैसी आ रही है। इसकी साउंड ना ज्यादा चेंज नहीं है, बस थोड़ी सी चेंज की है और गाइस ये इसलिए चेंज हुई है वो एयर फिल्टर है ना वो मैं क्लीन कर रहा था तो उसको मैंने रिमूव किया है। वो देखो वो बहुत ज्यादा गंदा है, ये देखो इसकी हालत चेक करो गाइस, ये गीला है मान सकते हो आप। लास्ट टाइम आपको पता है पानी में ये डूब गई थी, पूरा पानी से गीला है। इसको ना आज मैं बाहर निकाल के रखूंगा और इसको मैं थोड़ी देर तक ऐसे ही चलाऊंगा। तो गाइस ये काम करते हैं जल्दी से चलते हैं और इसका ना थोड़ा सा फ्लाई वाई भी लेंगे, दोनों को भगा के भी देखेंगे, इसे रेस करेंगे ऐसे मस्ती मजाक में ठीक है। तो चलो निकलते जल्दी से घर से, लेट्स गो। सो लेट्स गो गाइस निकल रहे हैं ठीक है। थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर देता हूँ नहीं तो बहुत ज़्यादा हिलेगा। सो चलो चलते हैं, भाई निकल चुका है आगे। ओ भाई बंद होगी गाइस। आज एक और चीज़ बताता हूँ मैं, आज ड्यूक 390 और होंडा डियो अपनी जो स्कूटी है उसको ना बांध के ना दोनों को खींच के देखेंगे ठीक है। वैसे तो ज़्यादातर आपको पता ही है कि पावर तो भाई ड्यूक 390 में होने वाली है। खींचेंगे थोड़ा ट्राई करेंगे, जैसे हमने बुलेट खींचा था ट्राई करेंगे। और मेरा तो भाई टायर भी जा चुका है, तो तारें निकल चुकी हैं भाई टायर की। स्कूटी की आवाज़ सुन रहे हो गाइस भाई, कितनी ज़्यादा आवाज़ हो रही है स्कूटी की। भाई नए ग्लव्स देखो हाथों में कैसे लग रहे हैं, मैच कर रहे हैं क्या गाइस, थोड़े थोड़े से कर ही रहे होंगे। नए लिए हैं मैंने भाई, मज़ा आ रहा है यार इनको। ये देखो मैं जाऊँगा सुपरमैन, सुपरमैन मैं हूँ। ब्रेक नहीं लगी तो निकल जाएगा सीधा ही। मैं भाई को पीछे छोड़ता हूँ, छोड़ दिया स्कूटी लेके भागा हुआ भाई। तो गाइस अभी ना दोनों रेस करते हैं स्कूटी और ड्यूक 390 के, देखते हैं। ये वाला थोड़ा सा सीधा रोड है ना, देखते हैं कौन आगे निकलता है जल्दी से जल्दी। तो 390 निकल जाएगी, फिर भी एक बार ट्राई करना तो बनता है। ओ नीचे आ जा, नीचे नीचे आ जा, अगर गिरा ना देखो गाइस कहाँ चढ़ गया है, नीचे आ जा नीचे। निकल गया निकल गया, बच गया वो गाइस। पता क्या था, मेरी बाइक ना पिछला जा टायर ना पूरा घूम गया था, टकराने वाले थे ये ना टायर ही घूम गया मिट्टी में। नहीं एक से एक या दो सेकंड तक तो मैं आगे ही था भाई, दो सेकंड तक या एक सेकंड तक साथ में रह रही है। मैं निकलूंगा बड़ी साइड चल, ऑफ रोड में गाइस ये देखो ऐसे चलना चाहिए, देख रहे हो भाई को ऑफ रोड में ऐसे चलानी चाहिए ताकि इसका जो पिछले वाला जो सोकर है ना वो ठीक रहे, नहीं तो भाई खराब हो जाते हैं। इसलिए अच्छा है कि ऐसे थोड़ा सा ऐसे सैडलिंग करते हुए चलो, खड़े होके चलो यानी ऑफ अगर खराब रोड है तो। तो गाइज ये जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना ऐसे स्कूटी से ऐसे ड्यूक 390 का, ये ऐसे फनी कर रहे हैं ऐसे मजे के लिए कर रहे हैं यार। तो कितनी ज़्यादा पावर है 390 में, कभी ट्राई नहीं किया था, ट्राई करके देखते हैं। पर फिर भी यार एक सेकंड तक तो या दो एक या डेढ़ सेकंड तक तो आगे नहीं निकलने दे रही थी, साथ साथ में चल रही थी। देखो गाइज ये देखो, सुन रहे हो ना गाइज, मस्त है यार। तो गाइज ये जो लोकेशन है ना ये बहुत ज़्यादा प्यारी लोकेशन है।
तो यहाँ से सीधा ऊपर ही जाना है बाइक लेके। देखो क्या चीज रोड है भाई ये। और रोड खत्म हो गया। ये देख रहे हो गाइस क्या सही लोकेशन है। सो या गाइस अभी यहाँ पे रुके थे ठीक है। हाँ भाई उस साइड ना वहाँ पे ना वहाँ पेड़ के नीचे ना बहुत ज़्यादा सही हवा चली है। पर गाइस अभी हमें जाना है। अभी जैसे कि मैंने आपको बोला था ना गाइस कि हम ना दोनों को बांध के ना खींचेंगे होंडा डियो को और ड्यूक 390 को। वैसे बनता नहीं है पर ऐसे फन के लिए ऐसे खींच के देखेंगे कैसी पावर है भाई। और क्या पता खींच ही दे है ना। अभी खींच के देखेंगे। चलो स्कूल में चलते हैं। स्कूल में ना कहीं छुट्टी भी होगी होगी। स्कूल में कोई नहीं होगा तो आराम से हम बना सकते हैं ठीक है वीडियो। बाय। घर पहुंच गए हम। छुट्टी हो गई है। हाँ चलते हैं पानी पूरी भी लेते हैं फिर चलते हैं। तो गाइस अभी थोड़ा सा वेट करते हैं 5-10 मिनट फिर निकलते हैं चेक कर। या गाइस अभी ना स्कूल में आ चुके हैं देखो ठीक है। तो रस्सी भी ले आए हूँ घर से और हमने ना ड्यूक को ना इससे होंडा डियो से बांध दिया। देखो पूरी रस्सी जो थी वो हम ले आए हैं। तो गाइस अभी ये काम करते हैं ना जल्दी से देखते हैं खींच कर देखते हैं कितनी ज़्यादा पावर है। और गाइस मैं आपको पहले बता दूँ इसका ना टायर घिस चुका है। ये देखो ये पूरी ना इसकी वायर निकल चुकी है। तो हो सकता है स्कूटी भी खींच दे बिकॉज स्कूटी की ग्रिप अच्छी है। मुझे तो 100% पता है ड्यूक ही खींच के ले जाएगी इतना तो पता है। पर फिर भी ऐसे मस्ती के लिए ट्राई करके देखते हैं। देखो गाइस ये देखो भाई उठा उठा इसको। मैंने बोला था ना ये खींच देगी भाई ना खींचेगा और मैं ब्रेक लगा के रखूंगा ठीक है। देखते हैं खींच पाता ये कि नहीं। 2-3 मैंने गाइस मैंने फ्रंट ब्रेक भी लगाई है रियर ब्रेक भी लगाई है फिर भी खींच नहीं पा रही है। छोड़ दे नहीं होगा। जब ना अभी यहाँ पे ना दोनों बाइकों को खींचा है ठीक है। एक स्कूटी है और एक बाइक है ठीक है। तो दोनों को खींचा है और गाइज विनर तो भाई यही रहेगी अपनी ड्यूक 390। पावर ज़्यादा वेट ज़्यादा है और ऊपर से मैं भी बैठा था और इसका ना वेट भी कम है पावर भी कम है तो ये तो कहाँ जीत भाई। मैंने तो पहले बोला था कि 100% चांस है कि ड्यूक ना जीत जाएगी। अभी गर्मी ना बहुत ज़्यादा लग रही है। ये 4 तो बजने वाले होंगे वो आपको। तो गाइज आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइज लाइक कर देना ठीक है। और गाइज एक और बात जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि मैं मॉडिफाई करवाऊंगा और आपने कमेंट भी कर दी थी कि 300 कमेंट। मैंने बोला था कि 300 कमेंट कर देना और मैं मॉडिफाई करवा दूंगा। 300 से ऊपर कमेंट कर दिए इससे अगली वीडियो हो सकती है कि वो मॉडिफिकेशन की ही हो। 3-4 दिन लग सकते हैं मॉडिफिकेशन में बिकॉज इसमें ना कलर भी करना पड़ेगा सारा कलर ना। ये जो ऑरेंज कलर दिया गया है टायर पे जो ऑरेंज कलर मैं सारा का सारा चेंज करने वाला हूं। जो मैं कलर करवाने वाला हूं गाइस वो बन इन हिमाचल होने वाला है। तो देखते रहना बने रहना और इस वीडियो पे वैसे प्यार दे दो कमेंट कर दो यार इस वीडियो पे भी। मैं टारगेट नहीं दे रहा हूं पर जितने हो सके कमेंट कर दो लाइक भी कर देना। तो चलो गाइज मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। बाय बाय गाइज ऐसी और वीडियो देखते रहो ठीक है। इधर चलो चल बैठ जा चल चलो गाइज घर जा रहे हैं। ये देखो ये भी बैठ गया इधर। इसको ना आदत डलवाई है मैंने स्कूटी पे बैठने की और ये बैठ जाता है।